शनिवार को वीकेंड के दौरान पर्यटकों का जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी गेट द्वार पर लगी लंबी कतारें सैलानियों की परेशानी का कारण बनी हुई थी। ताजमहल पर ऑनलाइन टिकट या ऑफलाइन टिकट उसकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पर, जहां आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी। हालांकि वीकेंड के दौरान यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह से पुरातत्व अधीक्षक आर के पटेल ने कहा था कि जिस तरह से यहाँ पर जो वीकेंड के दौरान अधिक टिकट बिंदु खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर लंबी कतारें यहाँ पर देख रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर हैं, कि पहले टिकट विंडो पर यहाँ पर ये कतारें देखने को मिलेंगी, उसके बाद आपको एंट्री के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आलम ये है कि अभी ये जो आलम देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लंबी ये टिकट विंडो की कतार है। अगर इसकी दूसरी साइड अगर हम बात की जाए, अगर दूसरी साइड अगर देखें तो उसका नज़ारा आप भी आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं करीबन आधा किलोमीटर की ये लंबी लाइन है यहाँ से जो पर्यटक हैं यहाँ पर आ रहे हैं, और करीबन एक घंटे का इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि काफ़ी देरों का इंतज़ार करना पड़ रहा है जिनको, और उनकी जो कह सकते हैं कि एक जो पर्यटक हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी संख्याओं में जो वीकेंड के दौरान यहाँ पर जो भीड़ है वो आपको साफ देखने को मिल रही है। जिस तरह से वीकेंड के दौरान जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है लेकिन कही जाए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट की अगर बात की जाए तो अगर वो समस्या यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अपने साथी इकबाल के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।